रीवा जिले के किसान नेता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने शुक्रवार को 80 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अनशन शुरू कर दिया है। वे रात पेड़ पर ही बिताएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी अनशन चलता रहेगा। दरअसल अनुविभागीय अधिकारी हुजूर की मनमानी के खिलाफ विभागीय जांच, पीएचई विभाग तथा बिजली कंपनी के खिलाफ चोटीवाला हाथ व पैर में बेड़ियां डालकर धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया था। शुक्रवार की सुबह 6 बजे तमरादेश गांव पहुंचकर पीएचई ने खराब हैंड पंपों की मरम्मत भी करा दी है, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी ना तो अभी तक धरना स्थल पहुंचे और ना ही खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की कोई पहल की। इससे नाराज चोटीवाला पेड़ के ऊपर धरने पर बैठ गए हैं। देर रात तक धरना स्थल पर कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा। इससे अब उन्होंने रात पेड़ पर ही बिताई है। जिला प्रशासन एसडीएम मामले में कुछ बोलने को कतरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व भी इनके द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर इसी तरह के अनोखे प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। कल दिनांक 20 जून से हम लगातार हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके और अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन तहसील हुजूर के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर लगातार हम 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं और बिजली विभाग, पीएचई विभाग, इन तीनों विभागों के खिलाफ हम लगातार धरने पर बैठे थे। जहां तक पीएचई विभाग का है, कल ही पीएचई विभाग के अधिकारियों ने आकर के मुझे आश्वासन दिया था कि हम जो भी हमारी साफ़ की समस्या है हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम आकर के और आपका काम तुरंत करेंगे। आज पीएचई विभाग की टीम ने 6 बजे उतर कर तमाम खराब हैंड पंपों की मरम्मत एक तरफ से कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं और बिजली विभाग के अधिकारी तो भी तानाशाही पर हैं। उन लोगों ने बार बार धरना स्थल पर आ रहे हैं, खाली हाथ आए और वापस चले गए हैं। हमारी लोगों की मांग थी कि जो जले ट्रांसफार्मर उनको बदल दिया जाए और केबिल लगा दी जाए, केबिल बदल दी जाए, भ्रष्ट केबिल है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी अभी तानाशाही पर उतारू हैं। इस तरह से इन सभी मामलों में बिजली विभाग के और वैशाली जैन के मामलों में जिला प्रशासन और कलेक्टर मैडम किसी भी स्थिति पर बोलने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आईएएस कलेक्टर और एक आईएएस अनुविभागीय अधिकारी के सामने कलेक्टर बौना साबित हो रही हैं, उनसे काफी प्रभावित है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी आईएएस वैशाली जैन के मामले में कलेक्टर किसी भी तरह से बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो ये जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि आईएएस अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन एवं स्वास्थ्य विभाग के MD पंकज जैन के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, जिससे ये तो पता चल सके कि किस तरह से पंकज जैन के प्रभाव में आकर के और वैशाली जैन ने जिस तरह से राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षपातपूर्ण तरीके से किए हैं। हम उसी मांग को लेकर के लगातार हम धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज हम दोपहर से लगातार 80 फीट ऊंचे आम के वृक्ष में लगातार बैठे हैं। तमाम तरह के मैसेज तमाम चले गए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट, कोई भी वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज रात फिर हमको 80 फीट वृक्ष के नीचे ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ यदि जिला प्रशासन वैशाली मामले में किसी भी तरह का बोलने को तैयार नहीं है, तो हम भी वैशाली जैन के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। और रात तो एक रात नहीं, 10 रात बितानी पड़े इसी वृक्ष के ऊपर बिताएंगे, लेकिन जब तक वैशाली जैन के मामले में जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या अपना वक्तव्य नहीं देता है, हम लगातार इसी धरने पर बैठे रहेंगे। और बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि तुम इस तानाशाही में रहो कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी इसी में हैं कि हम तुमसे करवा के रहेंगे। तुम्हें ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, तुम्हें केबिल बदलनी पड़ेगी, चाहे हमारे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ।
लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे मजबूर मत किया जाए। यदि हम 80 फीट वृक्ष के ऊपर धरने पर बैठ सकते हैं, तो यदि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही करता है तो फिर आत्मदाह भी मैं कर सकता हूँ। ये मैं जिला प्रशासन को मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल मेरा अलग अनशन होगा और वो होगा एक आत्मघाती कदम होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिला कलेक्टर की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि अभी तक ना तो धरना स्थल पर कोई पुलिस प्रशासन आया, ना जिले से कोई ये जिम्मेदार सक्षम अधिकारी ना आया, ना बिजली विभाग को कोई सक्षम अधिकारी आया। इस तरह से धरना और प्रदर्शन की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि तमाम जिला प्रशासन के इशारे पर तमाम अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं।